कोरोना फैलावता नवा डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न एटले के चिंताजनक जाहिर कर्यो छे। आ वेरिएंट ने कोरोना की तेजी लहर माटे खतरा समान मानवामां आवी रह्यो छे। स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट अत्यार सुधी में 22 दर्दीओ मिली चुक्या छे। देश में तबाही मचावनार कोरोना की बीजी लहर माटे डेल्टा वेरिएंट जवाबदार हतो अने आ नवो डेल्टा वेरिएंट एज वेरिएंट नुं नवुं स्वरूप छे। विशेषज्ञो चिंता व्यक्त करी चुक्या छे कि भारत में कोरोना की तीजी लहर आवी तो तेना माटे डेल्टा प्लस वेरिएंट जवाबदार हशे। स्वास्थ्य मंत्रालय जणाव्यू कि डेल्टा वेरिएंट भारत सहित 80 देशों में फैलायो छे अने तेने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखायो छे। ज्यारे डेल्टा प्लस वेरिएंट हाल भारत सहित मात्र 9 देशों में छे। भारत में डेल्टा प्लस 22 केस नोंधाया छे। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट 22 केस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश केरल में नोंधाया जेमांथी सौथी वधु 16 केस महाराष्ट्र में अने आ मुद्दे त्रणे राज्यों ने डेल्टा प्लस वेरिएंटनो सामनो केवी रीते करवो ते पण जणावायुं छे। आ साथे तमाम राज्यों ने वधारे सघन पगला लेवा माटे सूचना आपवामां आवी छे। टेस्टनी संख्या वधारवानुं पण कहेवामां आव्युं छे। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है, और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है, और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान। टेस्टिंग किसी हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि केस कम हो गए हैं तो केस के कॉन्टैक्ट कम हो गए हैं तो उनकी टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन टेस्टिंग की क्षमता उसको मेंटेन करना है, वो तैयारी हमारी कम नहीं हो सकती, फैसिलिटीज़ की रेडीनेस कम नहीं हो सकती, और इसी प्रकार पब्लिक के साथ कनेक्ट की कमी की तैयारी में कोई कमी नहीं हो सकती है। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5-6 महीने बहुत मेहनत करनी है अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और ज़िंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में, स्कूल की बात करें, कारखानों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, बाज़ार में काम करने की बात करें, बाज़ार में व्यापार की बात करें, एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। तो त्रीजी लहर नो डर छे। महाराष्ट्र, केरल अने एमपी में जो केस नोंधाया छे, देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ना अत्यार सुधी में 22 दर्दीओ नोंधाया छे। आ त्रीजी लहर आवी शके छे डेल्टा प्लस वेरिएंट, जेने लईने जो वात करवामां आवे तो विशेषज्ञो द्वारा कहेवामां आव्युं छे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन्यो डेल्टा प्लस वेरिएंट, एटले के चिंताजनक छे। नवा डेल्टा प्लस वेरिएंट पर खतरो छे। सरकारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न एटले के चिंताजनक तेने जाहिर कर्यो छे। देश में अत्यार सुधी में 22 केस नवा वेरिएंटना जोवा मळ्या छे। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव दो जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहां हैं इन दो जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट
महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड केरला शुड इनिशिएट टू एड्रेस दिस इशू. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले. तो ये ब्रॉडली डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था.